अब यहाँ पे हम नाउन के एक और टाइप को डिस्कस करेंगे जो हमने नाउन के टाइम नहीं किया था, कंपाउंड नाउन। मैंने लिखवाया था आपको टाइप्स ऑफ नाउन में कंपाउंड नाउन, याद है? अब बात करेंगे कि कंपाउंड नाउन होते क्या हैं। कंपाउंड नाउन मीन्स वो नाउन बच्चे जो दो या दो से ज्यादा वर्ड, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड को जोड़ के बने हो और रिप्रेजेंट कर रहे हो, रेफर कर रहे हो एक पर्सन को, एक थिंग को, एक प्लेस को, ठीक है? उस नाउन को हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड नाउन, ठीक है? बाय एडिंग अ वर्ड आफ्टर और बिफोर द फेमिनाइन ऑफ अ कंपाउंड नाउन इज फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द पार्ट विच शोज द जेंडर। अब इसका पहले कंपाउंड नाउन करते हैं, उसके बाद में देखते हैं उसका जेंडर कैसे चेंज हो। कंपाउंड जैसे कि ग्रैंड एक वर्ड है प्लस फादर एक वर्ड है, मिलके क्या बन गया? ग्रैंडफादर। चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। सी एक वर्ड है, फूड एक वर्ड है, मिलके क्या बना? सी फूड। एक और एग्जाम्पल करते हैं। बुक एक वर्ड है, केस एक वर्ड है, मिलके क्या बना? बुक केस, जहां पे क्या है, बुक्स रखी जाती है, या बुक शेल्फ भी, राइट? ओके, है ना? जैसे पुलिस एक वर्ड है, मैन एक वर्ड है, मिलके क्या बना? पुलिसमैन। ये क्या होते हैं बेटा? हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं, करेक्ट? जो दो कंपल्सरी नहीं है कि दो से ही बनेंगे, दो से ज्यादा भी हो सकता है। लाइक मदर इन लॉ, तीन को मिला के बना मदर इन लॉ, राइट? तो दिस इज कंपाउंड नाउन। अब कंपाउंड नाउन का जेंडर कैसे चेंज करेंगे हम? फिर मैस्कुलिन टू फेमिनाइन, जो वर्ड जेंडर शो कर रहा होगा, जेंडर मतलब जो दिखा रहा होगा कि ये मेल है, उसका हम फीमेल चेंज कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है। स्टेप ब्रदर, इस सेंटेंस, इस वर्ड के अंदर ब्रदर वर्ड जो है वो जेंडर शो कर रहा है, राइट? ब्रदर वर्ड क्या कर रहा है? जेंडर शो कर रहा है, तो ब्रदर का हम क्या कर देंगे बेटा जी? सिस्टर। दैट्स इट, क्लियर है? स्टेप ब्रदर का क्या बन गया? स्टेप सिस्टर। नेक्स्ट, जैसे कि ग्रैंडफादर। अब प्रोनाउंस विद मी, ये वर्ड सारे मेरे साथ बोलिए कि मैस्कुलिन किसका क्या है, कौन सा मैस्कुलिन का, कौन सा फेमिनाइन है। तो ग्रैंडफादर का क्या बन गया? ग्रैंड मदर। जो आपको आता है वो बिना देखे बोलिए, ठीक है? मिल्कमैन का मिल्क मेड, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड लैंड लेडी, ही गॉट शी गॉट, पीकॉक पी हैन, ग्रैंडपा ग्रैंडमा, पुलिसमैन पुलिस वुमैन, फादर इन लॉ मदर इन लॉ, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर, हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस, मिस्टर मिसेस, पोस्ट मास्टर पोस्ट मिस्ट्रेस। जो वर्ड जेंडर दिखा रहे हैं सिर्फ उसी को चेंज कर रहे हैं हम। सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, स्टेप फादर स्टेप मदर, स्टेप सन स्टेप डॉटर। क्लियर है? अब क्या होता है, कुछ हमारे वर्ड है जिनके क्या है, एग्जैक्ट जो है दूसरी एंटिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे बॉय की गर्ल एग्जिस्ट करती है, तो उनका क्या है, कंप्लीटली चेंज नेम हमारे पास मैस्कुलिन का फेमिनाइन होता है। ओके, नाउ प्लीज प्रोनाउंस द वर्ड विद मी। जैसे अब क्या है, कंप्लीट चेंज वर्ड है हमारे पास। बुल, बुल का क्या हो गया? काउ। सन डॉटर, हॉर्स मेयर। जल्दी जल्दी प्रोनाउंस करो सारे मेरे साथ। किंग क्वीन, हस्बैंड वाइफ, कुक हैन, जेंटलमैन लेडी, अंकल आंट, मैन वुमैन,
bachelor, spinster, nephew, niece. Quickly सारे प्रोनाउंस करेंगे, जल्दी जल्दी सभी मेरे को प्रोनाउंस करते नजर आए. Monk, nun, brother, sister, wizard, witch, sir, madam, dad, mom. नरेश आप नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, जल्दी से. Father, mother, daddy, mommy, lord, lady, male, female, fox, vixen. ये हमारा आया हुआ है पेपर में, और जनरल गूज ये भी पेपर में आया हुआ है. ठीक है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स गिवन है, ओके, जो पेपर में हमें आए हुए हैं. करेक्ट. अब क्या होता है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. चलिए अब बात करते हैं पहले कॉमन जेंडर की. कॉमन जेंडर कौन से होते हैं, जो हम बात कर रहे थे कि जो दोनों के लिए यूज हो. अब हमें पता करने की क्यों जरूरत है, क्वेश्चन ये है कि मैडम ये करवा क्यों रहे हो. देखो बेटा, हमें पिछली बार अभी सैनिक में भी क्वेश्चन आया था, जैसे उन्होंने दिया कि फॉर एग्जाम्पल सिंगर, पेरेंट्स, सन एंड फिश. चलिए अब इसमें से कौन सा कॉमन जेंडर नहीं है. अगर आपको पहले पता होगा कॉमन जेंडर है कौन सा, फिर ही आप बताएंगे. ऑड इवन आउट है ना, ऑड वन आउट करते हैं ना हम, कि ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये नहीं है, ये हमारा आंसर है. करेक्ट, क्लियर है. या फिर जैसे दिया सन, डॉटर, ओके, मैन एंड फ्रेंड. अब आपसे पूछ लिया कौन सा कॉमन जेंडर है, तो आपको पता है सन मैस्कुलिन है, फेमिनाइन है, मैस्कुलिन है, ये कॉमन है, तो टिक कर दोगे आप इस पे. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. या फिर डायरेक्ट आपको चेंज करना आता है. करेक्ट, तो कॉमन जेंडर लाइक सिंगर, कैट, डियर, कब, सर्वेंट, ऑफन, बेबी, चाइल्ड, फ्रेंड, कैंडिडेट, ठीक है, लीडर, पेरेंट्स, टीचर, बर्ड, फिश, एनिमी, दीज आर द कॉमन जेंडर विच इज यूज फॉर बोथ. न्यूटर क्या होता है, लाइफलेस थिंग्स लाइक चेयर, टेबल, माउंटेन, बुक, स्कूल, पेंसिल, टेबल, दीज ऑल आर वॉट न्यूटर जेंडर. नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हम फॉरगेट कर देते हैं जब हमें क्या है गुरुकुल का जैसे एग्जाम दे रहे हैं, या कोई ऐसे एग्जाम जहाँ पे रिटर्न में हमें क्या है आंसर करना है, तो वहां पे हमें प्रोनाउन चेंज करने में सेंटेंस जो जेंडर है इस फॉर्म में आता है, लाइक द मैन वेंट इनटू द डाइनिंग हॉल विद हिज फ्रेंड. अब आपको आया कि चेंज कीजिए जेंडर, आप बड़े आराम से चेंज कर देंगे कि मैन, मैन का वुमेन कर दिया, बस हो गया. बट वी विल फॉरगेट टू चेंज प्रोनाउन. अगर हम चेंज कर रहे हैं नाउन को, तो प्रोनाउन भी तो चेंज होंगे, जैसे हिज है तो हर हो जाएगा, अगर हर है तो हिज हो जाएगा, ये भी तो चेंज करेंगे. जैसे कि द मैन वेंट इनटू द डाइनिंग हॉल विद हिज फ्रेंड, तो द हमारा आर्टिकल है, ये नहीं होगा, मैन जेंडर है, ये चेंज कर दिया. वेंट इनटू द डाइनिंग हॉल विद, ये नहीं होगा चेंज यहाँ तक, एज इट इज. फ्रेंड क्या है, कॉमन जेंडर है, ये भी नहीं चेंज होगा, तो हिज का हर कर दिया. डोंट फॉरगेट टू चेंज प्रोनाउन. हम बहुत बार गलती करते हैं, जैसे कि हिज अंकल लिव्स इन दिल्ली, हमें बड़ा खुशी हो गई कि वाओ हमने तो कर लिया सारा का सारा, है ना, बहुत अच्छे से हो गया हमारा, बट अंकल का आंट कर दिया, हिज का हर करना भूल गए, तो हमारा सेंटेंस सारा गलत हो जाएगा. तो डोंट फॉरगेट टू चेंज जेंडर, सॉरी, फॉरगेट टू चेंज प्रोनाउन. ठीक है, अगर सेंटेंस फॉर्म में आ रहे हैं तो प्रोनाउन भी हम चेंज करेंगे. ये हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ जेंडर है. दिस ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्यों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रही, क्योंकि इसमें से वर्ड्स हमें जो है पेपर में आए हुए हैं इस वर्कशीट से. ठीक है, सो यू आर गोइंग टू लर्न फुल वर्कशीट, कोई एक भी वर्ड आप छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से लर्न करेंगे, इनके मीनिंग फाइंड करेंगे. अगर नहीं आता है कोई मीनिंग, नहीं मिल रहा है कोई मीनिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, वहां पे नीचे जो है आपको जहाँ वर्कशीट प्रोवाइड की गई है आपको आज सुबह,